भाभी क्या कर रहे हो आप? क्या 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 भैया क्या हो क्या रहा है? ये कमरा खाली कर रहे, हमारी माँ इस कमरे में अब रहेगी। ये मेरी माँ का कमरा है और वो यही रहेगी। सारा ये कमरा खाली कर रहे, हमारी माँ इस कमरे में अब रहेगी। ये मेरी माँ का कमरा है और वो यही रहेगी। सारा पापा जी राधिका जिया चिराग बस चक थोड़ी ते मरता सी नाज़िम हाय सुमति हाय वरुण ओए मैडम हाय मीनल जी हाय गगन जी गेट पे हाय गाइस हाय गाइस हाय ये क्या है? लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा घोड़े की तुम पे तोड़ा भावनाओं में बह गई मैं। अब क्षमा चाहूंगी, मुझसे भी भारी गलती हो गई। अब
Hey guys, everyone. What's up? What's up? Ball do, ball do. खुशी देखी है आपने बच्चों की जब स्कूल बंद होता है, छुट्टी की घंटी बजती है, आ हा हा हा, वो जो मतलब सुख पा लिया वाला एक्सप्रेशन होता है ना, वो एपिक होता है। वैसा ही एक्सप्रेशन टीवी एक्टर्स के चेहरे पर भी नजर आता है, स्पेशली जब पैकअप हो जाता है, यू नो, जल्दी जल्दी दो मिनट में कैसे फुर होते हैं सीरियल के सेट से। आई एम नॉट जोकिंग, ऐसा ही होता है। और वो घर जाने से पहले घर के चार काम करते हुए जाने वाली फील, जी हाँ, जो आप और हम महसूस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, दे गो थ्रू द सेम। देखिए, चलो लास्ट सीन के लिए जा रहे हैं, पैकअप का तैयारी शुरू करो। पैकअप सुनती है उसे बस भागना होता है। पैकअप हो चुका है और सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो है मेरा माइक, जो मैं माइक निकाल के दूंगी माइक दादा को, जो यहाँ पे ही खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन बचपन वाली चीज तो कभी भी अंदर से जाती नहीं है। जब स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है तब कितने खुश होते हैं ना हम सब, के अरे वाह, छुट्टी के बाद घर जाने मिलेगा। बड़े होने के बाद भी ये बरकरार रहता है, पैकअप करने का इंतजार करते हैं। जैसे ही डायरेक्टर साहब पैकअप कहते हैं, एक्टर की खुशी देखने लायक होती है। आफ्टर पैकअप वाली खुशी कुछ और ही होती है, कुछ ऐसी ही पैकअप के बाद वाली खुशी जानने हम जिया मानिक यानी कि गोपिका के पास पहुँचे। जो लीड एक्टर होती है, जो 9 to 9, जिसका पैकअप जल्दी होता नहीं है, जब वो पैकअप सुनती है उसे बस भागना होता है। सो दैट्स व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाई आप देख रहे हो मैंने मेकअप भी नहीं निकाला है, मैंने सिंदूर भी नहीं निकाला है। आई जनरली रीच होम एंड डू, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 15-20 मिनट ही दूर है, विच इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि हम लोग 8 बजे से ही अपना पैकिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि चलो लास्ट सीन के लिए जा रहे हैं, पैकअप का तैयारी शुरू करो। सो वी डोंट इवन वेस्ट 1 मिनट। इधर पैकअप हुआ, उधर 5 मिनट के अंदर देखिए कैसे गाड़ी में बैठ भी गई। जी हाँ, अब सेट से निकले हैं, घर जाना है। दिन भर में क्या क्या चीज मिस हुई, किससे किससे बात नहीं कर पाए, वो भी काम अभी निपटाना है। और साथ ही घर जाते जाते कुछ सामान तो नहीं ले जाना है, ये भी चेक कर लेते हैं। सेल्फ ड्राइव, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंसेस ड्राइवर्स के साथ बहुत खराब रह चुके हैं, और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद ही चलाऊँ, और मुझे ड्राइविंग पसंद भी है बहुत। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता और मुझे ज़्यादा गैप्स नहीं मिलते सीन के बीच में, तो मेरे जो कुछ फ़ोन कॉल्स होते हैं काम के फ़ोन कॉल्स, वो मेरे आते टाइम और जाते टाइम हो जाते हैं। हम है ओबरॉय मॉल के आसपास, और फिल्म सिटी के बारे में मैं ये कहूँगी कि बिफ़ोर आई बिकेम एन एक्टर, मैंने फिल्म सिटी के बारे में बहुत सुना था, और मैं हमेशा सोचती थी कि कभी तो मैं फिल्म सिटी में मैं जाके काम करूँगी। पर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 10-12 साल मुझे हो गए इंडस्ट्री में, मुझे फिल्म सिटी में आके शूट करने का मौका नहीं मिला, एज इन फॉर अ कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म शो। आप क्या कर रही हो मम्मी? मैं अभी वॉक ले रही हूँ। वॉक ले रही हो, अच्छा ठीक है। आज डिनर में क्या बना है? चौड़ा फड़ी चटनी। अरे वाह, मेरे लिए आज चौड़ा फड़ी चटनी है। मम्मी कहाँ से आया ये? मैंने खुद बनाया। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं अपने जो ऑडियंसेस है उनको बताती हूँ, चौड़ा फड़ी चटनी अहमदाबाद गुजरात का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, और मुझे वो स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और उसे घर में बनाना इजी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो बहुत ही
स्पेशल है बिकॉज कितनी भी डिफिकल्ट चीज होती है वो मेरे लिए करती है. सो आई एम वेरी थैंकफुल. थैंक यू मॉम. वेलकम. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स. ओके. पैकअप के बाद भाई घर जाने की खुशी तो सबसे ज्यादा होती है. जिया जब अपने घर पहुंचती हैं तो बिल्डिंग के नीचे उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चे भी मिलते हैं. उनकी ये नई ड्यूटी है. जैसे ही वो पहुंचती हैं गेट पर बच्चों को गाड़ी में बिठाकर एक राउंड घुमाना पड़ता है. अब इसमें भी तो अपना एक मजा है. अच्छा मैंने के ड्राइव क्यों लागी हूँ. हाउ वाज द ड्राइव. ड्राइव क्यों हुआ तू. थम्स अप. गुड गुड. ओके गुड. तने मारू सीरियल गमे छे. तेरा मेरा साथ रहे. केव छे. अच्छा फ्लाइंग किस आपी दो. एक फ्लाइंग किस. फ्लाइंग किस. फ्लाइंग किस. फ्लाइंग किस. क्या तो देखा ना आपने आफ्टर पैकअप वाली स्टोरी. जरूर इसके बाद आपको भी स्कूल के दिन याद जरूर आ गए होंगे. मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. चलो रेडे ऊपर से थोड़ा और ऊपर से यहाँ तक के लेके आना बस. ठीक है. चलो लो 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 ऊपर लो लो. रिएक्शन 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 रिएक्शन. सुशाद एक कैमरा फ्री जी. सुशाद सामने देखो एक बार. सामने देखो. हाँ देखो देखो. हे यस कर मारो. हाँ रेडी कितने. चलो 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 रेडी हटो. भाई हट जाओ. भाई कैसे कैमरा. ये बेटा 24 दो. ऊपर ऐसे यूं गिर रहे. आप यहाँ गिर रहा आप देखिए और आके यहाँ पकड़ लेना. ठीक है. बल्कि सबकी नजरों में जीत चुकी हो तुम. जल्द चाहे कुछ देखो सेट के ऊपर कौन सा होता है.